इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद के चौथे ऑर्बिट में पहुंचा दिया है। अब चंद्रयान 150 किलोमीटर गुणा 177 किलोमीटर वाली लगभग गोलाकार कक्षा में घूम रहा है। इसरो ने 14 अगस्त को करीब 12:45 बजे चंद्रयान 3 के थ्रस्टर्स को ऑन किया। इंजनों को करीब 18 मिनट के लिए ऑन किया गया। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की पहली ऑर्बिट में पहुंचा था। उसके बाद अब तक इसकी 2 बार ऑर्बिट बदली जा चुकी है। इसी दिन चंद्रयान ने चांद की पहली तस्वीरें जारी की थी। उस समय चंद्रयान चांद के चारों तरफ 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 164 गुना 18,074 किलोमीटर के अंडाकार ऑर्बिट में यात्रा कर रहा था, जिसे 6 अगस्त 2023 को घटाकर 170 गुना 4,313 किलोमीटर की ऑर्बिट में डाला गया, यानी उसे चंद्रमा की दूसरी कक्षा में डाला गया। लॉन्चिंग के 1 महीने बाद सोमवार 14 अगस्त को चंद्रयान 3 की चांद के चौथे ऑर्बिट में एंट्री हो गई और 150 किलोमीटर गुना 177 किलोमीटर वाली कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इसरो ने भी ट्विटर, जिसका नाम अब बदलकर एक्स हो चुका है, इस पर संबंध में जानकारी दी है। इसरो ने पोस्ट किया है, चंद्रयान 3 ने कक्षा घटाए जाने का एक और चरण सफलतापूर्वक पूरा किया, चंद्रमा के निकटवर्ती कक्षा में पहुंचा। 16 अगस्त को चंद्रयान चांद के और करीब पहुंच जाएगा। इसरो ने इससे पहले भी एक पोस्ट करके कहा था कि भारत का अंतरिक्षयान 14 अगस्त को अपना आखिरी चक्कर लगाने के बाद 11:30 से 12:30 के बीच चांद की सतह के और करीब पहुंच जाएगा। फिलहाल चंद्रयान चांद की सतह से 1437 किलोमीटर की दूरी पर है। इसरो ने 1 महीने पहले 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 मिशन के 3 महत्वपूर्ण सीक्वेंस हैं। पहला हिस्सा धरती पर केंद्रित है, दूसरा चांद के रास्ते और तीसरा चांद पर पहुंचना। इन तीनों स्टेज के पूरा होते ही लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इसके बाद लैंडर चांद की सतह पर उतरने की प्रक्रिया शुरू करेगा। अगर भारत इसमें कामयाब हो जाता है तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश बन जाएगा भारत। लैंडिंग करने की जगह आने वाले दिनों में तय होगी। पिछले मिशन की खामियों को समझने के लिए इस बार लैंडिंग को लेकर वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 के डेटा पर गहन अध्ययन किया, ताकि चंद्रयान 3 की लैंडिंग को सफलतापूर्वक किया जाए। भारत का चांद की तरफ बढ़ने का हर एक कदम मील का पत्थर साबित हो रहा है। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। इसी दिन दोनों मॉड्यूल चंद्रमा के चारों तरफ 100 किलोमीटर गुना 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में होंगे। 18 अगस्त की दोपहर 3:45 से 4 बजे के बीच लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी उसकी कक्षा की ऊंचाई में कमी लाई जाएगी। 20 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की रात 1:45 बजे डी ऑर्बिटिंग होगी। 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। सब कुछ ठीक रहा तो 6:45 बजे के करीब लैंडर चांद की सतह पर उतर जाएगा। इसरो के बेंगलुरु में मौजूद सेंटर टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स से लगातार चंद्रयान 3 की सेहत पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल चंद्रयान 3 के सभी यंत्र सही तरीके से काम कर रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।